नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा। नवाज शरीफ की अदालती इजाजत का जायजा लेंगे निगरान वजीर आजम। अनवारुल हक काकड़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरे लंदन दौरे को सियासी रंग ना दिया जाए। किसी सियासी जमात या रहनुमा से राबते नहीं हुए। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं कानून देखेगा। इलेक्शन में हिस्सा लेना या ना लेना सियासी या इंतजामी नहीं कानूनी मामला है। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू देते हुए निगरान वजीर आजम ने कहा कि इंतखाबी अमल गैर जानबदाराना और शफाफ होगा, किसी को पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इजाजत नहीं। पीटीआई हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया गया था, उनके खिलाफ कोई फौजी बगावत नहीं हुई। निगरान वजीर आजम का दौरा लंदन मुकम्मल, कल सऊदी अरब रवाना होंगे। चेयरमैन पीटीआई अटक से अडियाला जेल मुंतकिल साबिक वज़ीरे आज़म के लिए मुख्तस ब्लॉक में रखा गया। ब्लॉक के बाहर सिक्योरिटी के लिए एहलकार तैनात। अडियाला जेल पहुंचने पर चेयरमैन पीटीआई का तिब्बी मुआयना, डॉक्टर ने मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल में बेटर क्लास फराहम कर दी गई। दूसरी जानब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत की अटक जेल में साइफर केस की समाअत, एफआईए को जल्द चालान जमा कराने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर आइंदा समाअत ओपन कोर्ट में होगी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मरियम नवाज ने कमर कस ली। पार्टी कायद की आमद से पहले लाहौर में 7 जलसे करने का फैसला। नून लीग की सीनियर नायब सदर पहला जलसा 1 अक्टूबर को शाहदरा में करेंगी। खिताब में आवाम को नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाएंगी। लाहौर में जलसों का सिलसिला 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। जलसों में नून लीग की सीनियर और मकामी कयादत भी शिरकत करेगी। बिलावल भुट्टो का लाहौर में फिर डेरे डालने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज लाहौर आएंगे। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। पीपल्स पार्टी की मुकामी क्यादत तैयारियों में मसरूफ। मजबूत उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त पर मुशावरत का फैसला। पीपल्स पार्टी पंजाब के तमाम डिवीजन सदूर ने इजलास तलब कर लिया। पीटीआई के बगैर इलेक्शन बेमायनी होगा, ऐसे इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं होगी। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत ना होने के बराबर है। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया, कहा शफाफ इंतखाबात वक्त की जरूरत और वाहिद हल है। मालूम नहीं बर्फ पिघली या नहीं, 40 साल सियासत की, 39 साल एक पर्चा नहीं हुआ, आज दहशतगर्द बना दिया गया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी। शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ियाँ लगाकर पेश किया गया। पीटीआई समेत तमाम जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हैं। वजारत इत्तलात के निगरान वजीर आजम के इंटरव्यू की वजाहत, कहा अनवारुल हक काकड़ ने इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तमाम सियासी जमातों को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का मुसावी हक है। निगरान वजीर आजम तजवीज़ कर रहे थे इंतखाबात में हिस्सा लेना एक हक है, लेकिन जराइम पर सजा कानूनी तौर पर जायज़ है। ये तासुर गलत है, किसी मखसूस शख्स को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। सरफराज भुगती की पहले बढ़क फिर वजाहत। पहले कहा नवाज शरीफ मुलजिम की हैसियत से आए तो गिरफ्तार होंगे, बाद में कहा मेरे बयान को सियासी रंग दिया गया, बयान को दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया गया। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुतलिक बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। नवाज शरीफ की वापसी पर वजारत दाखिला का लेना देना ही कोई नहीं। नवाज शरीफ की वापसी पर आवाम की बड़ी तादाद उनका इस्तकबाल करेगी। हमें मफरूजों से बाहर निकल कर मामलात को हकीकत के आईने में देखना होगा। सरफराज भुगती के बयान पर नून लीग का पारा चढ़ गया। राणा सनाउल्लाह की खुली वार्निंग, बयान को हद से तजावुज करार दे दिया। वाज़ेह किया सरफराज भुगती बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें। सरफराज भुगती नवाज शरीफ से मुतलिक बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें, नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को लैंड करके कहाँ जाना है, ये वजीर दाखिला या विफाक का फैसला नहीं। मरियम औरंगजेब बोली, निगरान विफाक की वजीर दाखिला अपने सियासी कद के मुताबिक बात करें, जितना सियासी कद है उतनी बात करें। जिस कुर्सी पर थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं उसे ताहयात समझने की गलत फहमी से बाहर आ जाएं।
कौमी और सूबाई असेंबलियों के 859 हलकों में इलेक्शन होंगे। आइंदा आम इंतखाबात के लिए पोलिंग स्कीम तैयार। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए 91,809 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। 32,508 पोलिंग स्टेशन हसास और 17,411 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। इलेक्शन नतायज के लिए रिटर्निंग अफसरों को इलेक्ट्रॉनिक आलात फराहम किए जाएंगे। पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म करने की मंजूरी। पंजाब हुकूमत ने लोड शेडिंग को रुकावट करार दे दिया। पंजाब काबीना ने इलेक्शन रूल्स में तरमीम कर दी। ऑर्डिनेंस के जरिए ईवीएम को खत्म कर दिया। ऑर्डिनेंस 3 माह तक नाफिजुल अमल रहेगा। काबीना मजीद तौसी कर सकेगी। वजीर अला पंजाब के मुशीर कंवर दिलशाद कहते हैं गुजार हुकूमत ने जान बूझ कर ईवीएम को एक्ट में डाला था। इलेक्शन कमीशन का मौकिफ वाज़ेह है, ईवीएम काबिल अमल मनसूबा नहीं है। बाबर आजम का वर्ल्ड कप ट्रॉफी कैरी करने का आजम। एशिया कप में खराब कारकर्दगी का एतराफ़। टॉप 4 को छोटा हदफ करार दे दिया। कहा टीम फातह होकर वापस आना चाहती है। भारत के खिलाफ मैच का कोई दबाव नहीं, तमाम मैच ही जीतने की कोशिश करेंगे। एशिया कप की गलतियों से सीखा। दोनों टूर्नामेंट बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये भी कहा नसीम शाह की कमी महसूस होगी। हसन अली वर्ल्ड कप का तजर्बा रखते हैं, एससीए स्क्वाड का हिस्सा बनाया। कौमी क्रिकेट टीम कुछ देर में बरास्ता दुबई भारत रवाना होगी। पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। केस कानून के तहत चेयरमैन सेनेट के भाई को सरकारी घर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सवाल पूछ लिया। राजिक संजरानी को सरकारी घर की अलॉटमेंट का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। वकील ने बताया राजिक संजरानी ने अलॉट किया गया घर सरेंडर कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि उन्हें अब घर सरेंडर करने का ख्याल कैसे आ गया। इस केस से नजर आ रहा है कि अंदर और क्या कुछ हो रहा है। राजिक संजरानी की बतौर MD सैंडिक मेटल्स कंपनी तैनाती पर भी सवाल उठा दिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा यहाँ सेक्रेटरी घरों के लिए धक्के खा रहे हैं, आपके लिए बेहतर यही होगा कि जल्द अज जल्द घर खाली कर दें। खुद मोहब्बत की शादियां कर लेते हैं, फिर मसाइल अदालत के लिए बन जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के दिलचस्प रिमार्क्स। कमसिन बच्चियों की हवालगी से मुतल्लिक केस में कहा नमाज रोजा और हज करना काफी नहीं, इंसानियत और अखलाक भी लाजिम है। सिर्फ दाढ़ी रखने से बंदा मुसलमान नहीं होता, अमल भी होना चाहिए। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कमसिन बच्चियों को वालिदा के सुपुर्द करने का हुक्म दे दिया। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में बड़ी पेशरफ्त। IB की सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त वापस लेने की इस्तदा। मुतफरक दरखास्त दायर करते हुए मौकिफ अपनाया। फैजाबाद धरना नजरसानी 28 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। IB नजरसानी दरखास्त का दिफा नहीं करना चाहती, इसलिए नजरसानी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। दरखास्त गुजार शेख रशीद के वकील ने भी मुकदमा मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। शेख रशीद की बाजियाबी के लिए पुलिस को आखिरी मोहलत। लाहौर हाई कोर्ट मिंडी बेंच का शेख रशीद को 2 अक्टूबर तक पेश करने का हुक्म। कहा साबिक वजीरे दाखला बरामद ना हुए तो सख्त कार्रवाई होगी। RPO सैयद खुर्रम अली की सख्त सरजनिश। कहा किसी और को नहीं बुलाएंगे, RPO ही बरामद करेंगे। लाल हवेली सील और रजिस्ट्री मंसूखी पर भी अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए क्यों ना चेयरमैन वक्फ मकतरुका अमलाक को जाती तौर पर तलब किया जाए। हमने कानून के मुताबिक फैसले करने हैं वरना कैंगरू कोर्ट्स कहलाएंगे। हमें बगैर खौफ खतर फैसले करने होंगे। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासा जात का रेफरेंस खुल गया। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर खजाना को 10 अक्टूबर को बुला लिया। नैब ऑर्डिनेंस के बाद ये केस बंद कर दिया गया था। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 अक्टूबर तक तौसी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत। गिरफ्तारी से पहले बुशरा बीबी को आगाह किया जा सकता है या नहीं, दलाइल तलब।
खबर मानी का मुश्किल में 8 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले, सरकारी हिरासी पर कब्जे के केस में स्पेशल मैजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। फोर्सेस का खैबर के इलाके तीरा में एक्शन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। मारे गए दहशतगर्द संगीन वारदातों में मुलव्वस थे। डॉलर मजीद बेकदर। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मजीद सस्ता। इंटरबैंक में कदर 98 पैसे कम, 289.80 रुपये पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपये सस्ता, 291 रुपये पर आ गया। खबरदार होशियार, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी लाजमी करें। इस्लामाबाद में भारी जुर्मानों का नोटिफिकेशन जारी। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने का जुर्माना 1000 रुपये होगा। 1 व्हीलिंग पर 5000 का चालान कटेगा। ओवर स्पीडिंग का जुर्माना 1500 रुपये कर दिया गया। काले शीशों वाली गाड़ी को भी 1500 रुपये जुर्माना होगा। आयस देने वालों के लिए अच्छी खबर। 1 स्किल रीटेक प्रोग्राम का आगाज। किसी एक स्किल में बैंड कम आने पर पूरा इम्तिहान दोबारा नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ एक ही स्किल पर बैंड को बेहतर किया जा सकेगा। एशियन गेम्स में पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम छा गई, भारत को शिकस्त दे दी। 1990 के बाद कौमी टीम ने पहली बार टॉप 5 में जगह बनाई। हॉकी इवेंट में ग्रीन शर्ट्स ने बांग्लादेश को हराया। बॉक्सिंग में मोहम्मद कासिम की शानदार कारकर्दगी, UAE के नवाफ को 5-0 से शिकस्त दे दी। टेनिस के मेंस, विमेन और मिक्स इवेंट में टीम ग्रीन को शिकस्त। श्रीलंका ने वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। इंजरी का शिकार हसरंगा मेगा इवेंट से बाहर। दासन शंखनाका टीम की क्यादत करेंगे। अफगानिस्तान की टीम भारतीय शहर केराला पहुंच गई। भारत रवानगी से पहले टीम की अहम तालिबान लीडर से भी मुलाकात हुई। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सियाहत का दिन आज मनाया जाएगा। पाकिस्तान एडवेंचर टूरिज्म, कुदरती खूबसूरती, मजहबी सियाहत और तारीखी मकामात से मालामाल, सदियों पुरानी तहजीब और सकाफत के आसार भी सयाहों की खसूसी दिलचस्पी का मरकज़।